नमस्कार। आज संडे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और संडे होने के कारण बहुत सारी मंडियाँ जो हैं बंद रहती हैं, तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम आपको मंडी भाव या कोल्ड स्टोरेज की स्थिति ये मंडे को बताएंगे। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो देने वाले हैं जिससे आपको आलू के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, मतलब इसके इतिहास के बारे में, ये पृथ्वी पर कब आया या इसके फ़ायदे नुकसान और इस पे क्या क्या रिसर्च चल रही है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में, CPRI जिसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो ये पृथ्वी पर सबसे पहले जो आपके सामने आलू है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका हम लोग बिजनेस करते हैं, जिस पर हम लोग किसान मेहनत करते हैं, तो वो सबसे पहले इस पृथ्वी पर 7,000 साल, सोचिए कितना पुराना इसका सफ़र है, 7,000 साल पहले साउथ अमेरिका के पेरू में आया था। साउथ अमेरिका के पेरू में इसके बारे में सबूत मिलते हैं कि ये वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। रही बात इसकी, साउथ अमेरिका उस समय इतना डेवलप नहीं था, ऐसा अमेरिका नहीं था जो आज हम देख रहे हैं या जिसको आज हम समझते हैं। उस समय वहाँ पे दो सभ्यताएँ थीं, एक माया सभ्यता और एक इनका सभ्यता। इनका सभ्यता जो थी वो बहुत ज़्यादा कृषक थी, बहुत अच्छे वो कृषक थे और बहुत ज़्यादा अच्छी फसलें उगाते थे, उन्होंने ही इसको उगाया और इसका यूज़ करते थे, इसको वो खाते थे। इसके बाद हुआ ये कि 1580 के आसपास स्पेन ने साउथ अमेरिका पेरू पे आक्रमण किया, क्योंकि वहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा था, तो सोने के लिए उन्होंने वहाँ पे आक्रमण किया, तो सोने के साथ वो आलू भी ले आए और स्पेन में इसका काफ़ी प्रसार हुआ। फिर धीरे धीरे पूरा यूरोप इसने कवर कर लिया, जिसमें ब्रिटेन था और चीज़ें थी। इसके बाद इसने रूस की तरफ भी कदम बढ़ाए और आगे चाइना की तरफ। अब रही बात ये इंडिया में कैसे प्रसारित हुआ, तो इसको पुर्तगाली व्यापारी यहाँ पे लाए और अपने साथ यहाँ से जो मसाले थे, यहाँ का जो मेन मसाला था, वो ये पुर्तगाली लोग बाहर ले गए और आलू को इंडिया में प्रवेश कराया। लेकिन पुर्तगाली यहाँ पे क्योंकि शासन उनका बहुत कम जगह पे था, तो प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, इसको भारत में फैला नहीं पाए। तो भारत में फैलाने के लिए जो जिसका श्रेय जिसको श्रेय जाता है वो है ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश यहाँ पे आलू को अच्छे से उन्होंने फैलाया। इन्होंने कलकत्ता में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार स्टार्ट की, तो कलकत्ता जो आज भी हब है आलू का, जिसे हम डरते हैं कि यार कलकत्ता में अगर ज़्यादा हो गया या कलकत्ता मार्केट को बदल देगा, तो स्टार्ट कलकत्ता से ही हुआ था भारत में। वारेन हेस्टिंग जो थे वायसराय, उन्होंने सन 1772 से 1785 जो उनका काल था उसमें आलू पे काफ़ी काम किया उन्होंने, और उन्हीं की वजह से अगर भारत में आज आलू डेवलप दिख रहा है, तो उनकी मेहनत उसमें छिपी है। इसके बाद होता ये है कि ये जो डेवलपमेंट है ये मोस्टली 1946 एक आलू के लिए क्रांतिकारी वर्ष साबित हुआ। अंग्रेजों का ही समय था, लास्ट समय चल रहा था अंग्रेजों का, तो 46 में एक कमेटी बनाई गई जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सन 1949 में दी। वो रिपोर्ट के ही माध्यम से हमारे जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI की स्थापना हुई। सबसे पहले बिहार सरकार ने पटना में इसके लिए जगह दी और इसकी स्थापना पटना में हुई 1949 में, अगस्त 1949 में। इसके बाद चलता रहा, फिर 1956 उससे 7 साल बाद इसको शिमला शिफ्ट कर दिया गया और आज जो अस्तित्व में है वो शिमला में ही है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इस समय शिमला में है, कुफरी में। तो जो हम सारे आलुओं के पीछे कुफरी शब्द लगा पाते हैं वो वहीं की देन है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इसने आलू के विकास में क्या योगदान दिया, तो ये वर्किंग कैसे करता है। इसमें तीन डिपार्टमेंट है। सबसे पहला डिपार्टमेंट वो है जो आलू के प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, जैसे आलू ज़्यादा कैसे हो, कैसे उसका उत्पादन बढ़े, कैसे उसमें नई नई किस्में कम से कम समय में हम अधिक से अधिक पैदावार ले लें, कैसे उसकी शर्करा कम की जाए, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे दूर करके उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए।
दूसरा डिपार्टमेंट उसका है वो है प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो हम देखते हैं कि आलू में डिसीजेज आ रही हैं, जो रोग आ रहे हैं, या जो 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 आलू को बढ़ने नहीं दे, प्लांट के अंदर ही एक स्ट्रेंथ पैदा करें जो उस प्लांट को खुद पे इतना ताकत दे कि वो रोगों से लड़ सके। तीसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि झुलसा रोग, जो पछेती झुलसा जिसको बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा रोग है आलू में, उसके प्रति जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो जलवायु परिवर्तन या परिस्थितियाँ हैं, जलवायु परिस्थितियों के कारण ही ये रोग आता है। तो अभी जो भविष्य में आने वाले समय में इसकी भी प्री सूचना आपको मिलने लगेगी, ऐसा अनुसंधान चल रहा है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इसके बाद जो एक डिपार्टमेंट है वहाँ का, पोस्ट हार्वेस्टिंग डिपार्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है। पोस्ट हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि जब आपने फसल पैदा कर ली, रिसर्च जो ज़्यादा फसल पैदा कराने की कोशिश कर रहा है उसने ज़्यादा फसल पैदा भी करा दी, इसके बाद भी हम परेशान हैं। देखिए, इस बार फसल अच्छी हुई है फिर भी हम परेशान हैं। हम सब ये सोचते हैं कि क्या होगा, फेंका जाएगा, इस पे ही हम लोगों की डिबेट चल रही है जो मैं अक्सर देखता हूँ। तो अब चूँकि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आपको इतनी पावर दे दी कि आप इतना ज़्यादा फसल कर रहे हो, लेकिन अब आगे क्या इसलिए कर रहे हैं कि वो फेंकी जाए? नहीं, इसके लिए भी एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी अब जो हार्वेस्ट हो गई है, फसल आ गई है, इसके बाद के डेवलपमेंट पे काम करता है। देखिए, अभी मुख्य रूप से हम खाने में ही आलू का उपयोग करते हैं। वो डिपार्टमेंट मुझे पता है अभी दो चीज़ों पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च चल रही है। क्या होता है, जो आलू के अंदर शर्करा है उसको निकाल के हम एक ग्लूकोज सीरप बना रहे हैं, चल रहा है, धीरे धीरे आगे अस्तित्व में आएगा, दिखेगा आपको। तो ये इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी जूस फैक्ट्रीज हैं या शुगर के काम होते हैं या फूड में जो शुगर यूज़ करते हैं उसकी जगह इसका यूज़ करेंगे। अगर ये अस्तित्व में आ गया तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा आलू की उसमें खपत हो जाएगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम चल रहा है वो भी आपको 8-10-15 सालों के बाद दिखेगा, वो है हम इसके एथेनॉल बनाने वाले हैं, मतलब एथेनॉल पे काम चल, जो आलू है उसका एथेनॉल बन जाएगा, तो आगे भविष्य में हमें ईंधन वगैरह के रूप में भी देखने को मिलेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रही बात इस आलू का इतना विकास इतने सालों से अस्तित्व में, तो ऐसा क्यों है, वो इसके कारण ये है कि ये बहुत ही पौष्टिक चीज है। विटामिन ए और डी को छोड़ के इसमें सारे विटामिन हैं और सारे मिनरल्स हैं, इसलिए आलू बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वेजिटेबल है, जिसको हम सब्जियों का राजा भी बोलते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें तो मोटापा बढ़ता है या ये तो शुगर के लिए नहीं सही है, तो इसके लिए हम आलू को नहीं दोष दे सकते हैं। हाँ, आलू तो ठीक है क्योंकि इसमें फैट 0.1% है ओनली, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा प्रोसेस, जैसे हम जो भी मोस्टली चीज़ें बनाते हैं आलू की, उसको फ्राई करके बनाते हैं, चाहे फिंगर चिप्स हो, टिक्की हो, समोसे हो, या जो भी हम आलू के मोस्टली प्रोडक्ट जो है फ्राई करते हैं, तो उसमें फैट एड ऑन हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम करता है। अगर हम इसको सही प्रोसेस से बनाएं, जैसे बॉयल्ड आलू का यूज़ करें या रोस्टेड आलू का यूज़ करें, तो ये बहुत ही लाभदायी वेजिटेबल है। आलू जो हम 1949 से पहले की बात करते हैं, तो भारत में मोस्टली तीन टाइप की वैरायटी चलती थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि यार कौन कौन सी पहले क्या चलता था। तो उसमें तीन वैरायटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, गोला, साठा। गोला गोल होता था, नाम से ही है, और साठा 60 दिन में पैदा होता था, मतलब 60 दिन में उगता था, और जो फुलवा है वो होता था। तीन टाइप की आलू जो थी बहुत ज़्यादा होती थी। पटना से शिमला क्यों ट्रांसफ़र किया गया? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट को, उसके पीछे का कारण ये था कि जब 2-4-5-6 साल बाद ये देखा गया कि जो वो रिसर्च करना चाहते, एक्चुअल में जब आपस में जो संकर होता है तो फूलों से होता है, तो जब पटना में आलू उगाया जाता था तो उसमें फूल की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी नहीं आती थी, और कुछ में तो आती ही नहीं थी। ये हम सब आप जानते हैं कि कई वैरायटी ऐसी हैं जिनमें फूल दिखते ही नहीं हैं, लेकिन शिमला में ऐसी कोई वैरायटी नहीं है अगर बोई जाए कि उसमें फूल ना हो, और बहुत अच्छी और हेल्थी फूल आते थे। तो जो संकर का बेसिक काम है, दो
पेरेंट्स प्लांट में, तो वो फूलों की वजह से होता था और फूल वहाँ अच्छे आते थे और जिसकी वजह से वहाँ रिसर्च करना आसान था, इसलिए पूरा का पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस शिमला शिफ्ट कर दिया गया। अब एक बात और है कि भारत पूरे विश्व में इस समय ये जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से भारत पूरे विश्व में इस समय सेकेंड नंबर पे है, पहले थर्ड पे था, उससे पहले और कम था, लेकिन इस समय चाइना सबसे ज़्यादा है और उसके बाद भारत है। चाइना लगभग लगभग भारत का 3 गुना ज़्यादा उत्पादन करता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है। यानी भारत में जितना उत्पादन होता है और हम परेशान होने लगते हैं, चाइना हमसे 3 गुना ज़्यादा उत्पादन करता है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगभग 3500 पुस्तकें हैं और एक लाइब्रेरी है जिसमें सारी की सारी, आप आश्चर्य करेंगे, सारी की सारी पोटैटो पे ही है, यानी आलू पे ही लिखी गई हैं, आलू के बारे में है या आलू के विषय में है, आलू से ही संबंधित है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे लगता है, आशा है कि मैंने आपको अच्छी जानकारी दी होगी। आगे भी ऐसी ही अच्छी जानकारी जुटाता रहूँगा।